और चाहे वो दक्ष किसान पोर्टल की हम बात करें, वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करवाएं, जो डिफरेंट कोर्सेज उसके अंदर हैं उसको समझें, समझने के बाद वो जो उनको पॉइंट्स मिलते हैं, ताकि वो स्कीम जो इन लोगों की फलाह बहबूदी के लिए बनी है उसका भरपूर फ़ायदा ये ले सकें। पर अगर किसी जगह कभी नेट के स्लो होने की वजह से कभी कोई दिक्कत मेरे किसान भाइयों को और ख़ासकर नौजवानों को कोई दिक्कत आती है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लोगों से रब्ता कायम करें ताकि उनकी हैंड होल्डिंग की जा सके। क्योंकि इन चीज़ों के लिए एक प्रोटोकॉल जो डेवलप हुआ कि एप्लीकेशन आपने ऑनलाइन भरनी है, उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से फील्ड लेवल ऑफिसर के पास जाती है, जब उसकी वो सिक्योरिटी हो जाती है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, जिसके कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहिबान जो है, मैं मशहूर हूँ अपने 10 के 10 डिप्टी कमिश्नर साहिबान का, कि वो उन्होंने फर्स्ट जो प्रायोरिटी दी कि वो हमारे एग्रीकल्चर के प्रोग्रामों को दी, और जिस वक्त डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी से वो प्रोग्राम अप्रूव हो जाते हैं तो उस वक्त डिविजन लेवल पर डायरेक्ट्रेट में हम अप्रूव करते हैं उसको, और उसके बाद जो अथोराइजेशन इन लोगों को देनी है ताकि लोगों को टाइमली अथोराइजेशन मिल जाए, और उस अथोराइजेशन का फ़ायदा ये होगा कि जो लवाजमात उसको पूरे करने हैं वो पूरे करके गवर्नमेंट की स्कीम का फ़ायदा लें, ताकि टाइमली गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी हो जाए और किसान जिस चीज़ का फ़ायदा लेना चाहता है वो ले ले, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन प्रोग्रामों के साथ जुड़ें। और ख़ासकर दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि इसी हालिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम को सप्लीमेंट करने के लिए JKCIP का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, कि जहाँ कहीं पे भी कोई शॉर्ट कमिंग उसमें थी, कहीं पे फाइनेंशियल कुछ क्राइसिस थे, उन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये लवाजमात भी पूरे किए जाएंगे। और मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ और मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको कि जब भी कभी किसानों की फलाह बहबूदी की कोई भी बात आई तो मीडिया के लोगों ने उसको अच्छे तरीके से हम लोगों तक ये फीडबैक पहुँचाया, और हम लोगों ने मिल के सोसाइटी में एक काम किया कि जिससे हमारा किसान जो था वो आज तक कभी किसी लेवल पर भी डिस्ट्रेस के अंदर नहीं गया। और आज मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि कंट्री के अंदर जो कश्मीर का किसान है, वो कश्मीर का किसान जो है वो नंबर वन किसान है। जब मैं किसान कहता हूँ तो वो एग्रीकल्चर क्राफ्ट ग्रोवर वाले वाला भी किसान है, हॉर्टिकल्चर वाला भी किसान है, डेयरी वाला भी किसान है, पोल्ट्री वाला भी किसान है, फिशरी वाला भी किसान है, किसी शोबे के साथ जुड़े एग्रीकल्चर लाइफ सेक्टर के साथ वो सारे के सारे किसान हैं। और कभी भी कोई दिक्कत महसूस करें तो वो हमारे नोटिस में ये बात